हेलो सेवेंथ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, टुडे लेट अस स्टार्ट चैप्टर 16 ऑफ साइंस सब्जेक्ट, वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स। आई एम पद्मजा मैम फ्रॉम जैन आचार्य श्री अजरा मर्जी स्कूल। चैप्टर 16, वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर हमारे लिए कितना प्रेशियस है, वाटर किस तरह से हमें वाटर का कम से कम वेस्टेज करना चाहिए, वाटर मैनेजमेंट क्या है, किस तरह से हम वाटर का मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो चिल्ड्रेन, लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। बच्चों, 22 मार्च ये एक ऐसा दिन है जिस दिन हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिन हम वेरियस पोस्टर्स या वाटर से रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं। यू कैन सी मैनी पोस्टर्स हियर। तो इससे हमें वाटर का महत्व पता चलता है। सो चिल्ड्रेन, हाउ मच वाटर यू आर यूजिंग एवरी डे। अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन इन ए इज मिनिमम 50 लीटर्स पर पर्सन ए डे। तो 50 लीटर पानी हम रोज यूज़ करते हैं पर डे पर पर्सन। तो दिस अमाउंट इज़ अबाउट 2.5 buckets ऑफ वाटर पर पर्सन अ डे। तो ये 2 bucket या 2.5 buckets के बराबर होता है। कोई कोई जगह बच्चों ऐसी होती है जहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज होता है वाटर का। सो अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ऑलमोस्ट वाटर विच इज़ कंटेन इन सी, ओशन एक्सेट्रा। बट जो पानी हमें मिलता है फ्रेश वाटर, वो बहुत कम है। सो हाउ एवर, मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। द वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज इज़ फ्रेश वाटर। तो हमारे अर्थ में सारा का सारा पानी ओशंस, लेक्स, सी वगैरह में होता है, जो हमारे लायक नहीं होता है। सो फ्रेश वाटर इज़ वेरी लेस। नाउ हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल टू अस। अगर हम गैस करें तो कितना पानी हमारे लिए अवेलेबल होता है। सपोज़ यहाँ पर जो पिक्चर दिया है उसमें एक मीडियम साइज बकेट है, जिसको हम एज्यूम करते हैं कि ये पूरा अर्थ में जितना पानी है उतना है। देन टेक अ टीस्पून ऑफ अबाउट 5 ml कैपेसिटी एंड ट्रांसफ़र 100 spoons ऑफ वाटर फ्रॉम बकेट टू स्मॉल कंटेनर लाइक बाथ मग। 100 spoons हम एक बाथ मग में डाल सकते हैं। तो ये हमारा टोटल फ्रेश वाटर अर्थ में कितना है वो हम एज्यूम कर सकते हैं। देन फ्रॉम द बाथ मग ट्रांसफ़र 30 spoons ऑफ वाटर टू ग्लास टम्बलर। तो ये हम ग्राउंड वाटर एज्यूम कर सकते हैं। एंड लास्ट फाइनली 1/4 quarter spoon फुल ऑफ वाटर हमें मग में से लेना है। सो इट रिप्रेजेंट्स ऑल द वाटर प्रेजेंट इन लेक्स, रिवर्स इन द वर्ल्ड। तो कहने का मतलब रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स में जितना पानी होता है उतना ही ये 1 spoon का पानी है। यानी हमारे पास पूरा का पूरा बकेट भर के पानी है, लेकिन यूज़ करने लायक पानी हमारे पास 1 spoon ही होता है। सो चिल्ड्रेन, दिस इज़ वेरी लेस अमाउंट। सो वी हैव टू टेक स्टेप्स कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ कर सके हो और कम से कम वेस्ट करें। तो बच्चों, हमें फॉर्म्स ऑफ वाटर के बारे में ऑलरेडी पता है। व्हाट आर फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर एग्जिस्ट इन 3 states, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस। सॉलिड स्टेट में अगर हम कहें तो आइस, स्नो एक्सेट्रा, दैट आर इन सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, जो हम
पोल्स में हमें मिल सकते हैं. देन लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर इज़ वाटर इटसेल्फ विच इज़ प्रेजेंट इन ओशंस लेक्स रिवर्स एंड अंडरग्राउंड. देन गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर इज़ वाटर वेपर विच इज़ प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस. सो एक्टिविटी 16.3 में यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, उसमें कुछ नंबर्स है. तो पूरे चैप्टर में ये जो नंबर्स है वो जंबल्ड लेटर्स है. ये नंबर्स में जो वर्ड्स दिए हैं वो जंबल्ड लेटर्स में है. हमें अकॉर्डिंगली ये पिक्चर में कौन सी प्रोसेस चल रही है उसके बारे में हमें लिखना है. जस्ट ट्राई इट आउट, सी द पिक्चर एंड ट्राई आउट एंड ट्राई टू करेक्ट द जंबल वर्ड. नाउ गो अहेड. यहाँ पे हम देख सकते हैं विलेज में किस तरह से पानी की शॉर्टेज होती है. वीमेन फेचिंग वाटर फ्रॉम रिवर विच इज़ फार ऑफ फ्रॉम देयर लिविंग प्लेस. और पानी भरने के लिए उन्हें दूर तक जाना पड़ता है. चिल्ड्रेन हैव टू वॉक सेवरल किलोमीटर्स टू फ्रेच वाटर एंड इवन चिल्ड्रेन सफ़र अ लॉट. दे कैनॉट अटेंड द स्कूल फॉर कॉस ऑफ फेचिंग वाटर. वाटर के लिए वो लोग स्कूल भी नहीं जा सकते हैं. सो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स ट्यूब वेल्स और हैंड पम्प्स. तो ये वेयर डू दिस सोर्सेज गेट वाटर. ये जो ट्यूब वेल्स वेल्स हैंड पम्प्स में पानी आता है वो कहाँ से आता है. तो सब टॉपिक 16.3 ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर. सो नाउ व्हाट इज ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर क्या है. ग्राउंड वाटर जब रेन होता है तो ज़्यादातर जो पानी है वो सॉइल में चला जाता है, डीपर एंड डीपर इनटू द सॉइल. इट वी वुड रीच अ लेवल वेयर ऑल द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एंड गैप्स बिटवीन रॉक्स आर फिल्ड. रॉक जमीन के अंदर सॉइल के बीच में रॉक्स के बीच में पूरा पानी भर जाता है तो उसको हम वाटर टेबल कहते हैं. वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. बहुत जगह पर कम पानी या कम वाटर टेबल होता है और किसी में ज़्यादा होता है. जो ग्राउंड के बहुत ऊपर हम पानी को निकाल सकते हैं. सो द रेन वाटर एंड द वॉट यू कैन सी इन दिस फिगर. ये वाटर टेबल किस तरह से किसी जगह ज़्यादा और किसी जगह कम होता है ये हम टेबल इस पिक्चर में देख सकते हैं. सो द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर्स एंड पॉन्ड सीप्स थ्रू द सॉइल एंड फिल्स द एम्प्टी स्पेसेस एंड क्रैप्स डिप बिलो द सॉइल. इट इज़ कॉल्ड एज इन्फिल्ट्रेशन. सारा का सारा पानी जो अंदर चला जाता है ग्राउंड में नीचे तक स्पेस के बीच में क्रैक्स के बीच में डीप बिलो द सॉइल दैट इज़ कॉल्ड एज इन्फिल्ट्रेशन. और इस तरह इन्फिल्ट्रेशन से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है. अब ग्राउंड वाटर में कभी कभी रॉक्स के बीच में लेयर्स होता है और ये लेयर के बीच में वाटर टेबल हाजिर होता है या वहाँ पर वाटर होता है तो इसको हम एक्विफायर कहेंगे. सो वाटर इन द एक्विफायर कैन बी यूजुअली पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स और हैंड पम्प्स. एक्विफायर में अगर हैंड पम्प्स और ट्यूबवेल्स अगर हम लगाए तो हमें उसमें से आसानी से पानी मिल जाएगा. तो कंस्ट्रक्शन वर्क अगर कहीं चल रहा है तो कंस्ट्रक्शन वर्क में पानी कहाँ से मिलता है. यू कैन सी नियर बाई द साइट वेयर दिस कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन. इस कंस्ट्रक्शन वर्क में कहाँ से पानी मिलता है. ये लोग बड़ा डीप डिग करते हैं, वाटर डीप वेल डीप डिग करते हैं जहाँ से इनको पानी मिल सके. नाउ डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. वाटर टेबल किस तरह से कम होता है ये हम जानेंगे. तो बच्चों दिन ब दिन जो पानी का लेवल है ज़मीन के अंदर वो कम होते जा रहा है. इसका रीज़न क्या हो सकता है. इसका रीज़न एक ही है कि रेनफॉल बहुत कम है. इसके अलावा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हो रहा है आजकल. तो लोगों ने कंस्ट्रक्शन
बनाए हैं हाउस शॉप्स ऑफिस रोड्स पेमेंट्स एक्सेट्रा रहने के लिए और यूज़ करने के लिए, तो इस जगह पर पानी सीप नहीं हो सकता है। तो ये ज़मीन जो है वो वहाँ से पानी नीचे तक नहीं जाएगा, ये ज़मीन बेकार हो गई है, किसी काम की नहीं है। तो ऐसे एरिया आजकल बढ़ते जा रहे हैं ड्यू टू द पॉपुलेशन, तो इसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल कम होते जाता है। देन इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बन रही है आजकल जिसमें बहुत सारा पानी चाहिए, तो ये बहुत सारा पानी यूज़ होता है जिसकी वजह से पानी की दिक्कत आ जाती है और ग्राउंड लेवल कम होता है। देन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, जो फार्मर्स है वो अपने पेड़ पौधों के लिए, पेड़ उगाने के लिए इरिगेशन यानी सप्लाई ऑफ वाटर यूज़ करते हैं, पेड़ों को पानी देने के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं जिसमें वो ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, तो ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से पानी की शॉर्टेज आ गई है। देन नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अभी इंडिया हमारी बहुत वास्ट कंट्री है, इसमें कुछ डेजर्ट्स है और कुछ प्लेस ऐसी है जिसमें बहुत कम रेनफॉल होता है, कुछ प्लेस ऐसी है जिसमें अच्छा पानी होता है, तो इसका जो अनइवन रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इंडिया जैसी वास्ट कंट्री में होता है, तो हमें पानी बहुत सोच समझकर चलना यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए वाटर मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। किस तरह से हम वाटर मैनेजमेंट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैप को थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें किस तरह से वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सी जगह पर ज़्यादा पानी और कौन सी जगह पर कम पानी, इसका ये मैप दिया है। नाउ वाटर के लिए पूरा एक पाइप सिस्टम, वेल प्लान पाइप सिस्टम होना चाहिए। ये सिविक अथॉरिटीज़ का जिम्मेदार है कि किस तरह से वो अपने घर पे, हमारे घर पे पानी पहुंचाए। कहीं भी अगर पाइप्स लीक होती है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी होती है और सिविक अथॉरिटीज़ की भी होती है कि वेस्टेज ऑफ वाटर कम से कम हो, क्योंकि वाटर हमारे लिए बहुत प्रेशियस है। तो वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हमें ओवरहेड टैंक या रेन वाटर हार्वेस्ट हम कर सकते हैं। जैसे आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा, छत पे से जो हम अगर डायरेक्ट कनेक्शन पाइप की अगर हम टैंक में दें तो वहाँ पर पानी पूरे साल के लिए स्टॉक में रहेगा, और हम वॉशिंग बाथिंग शेविंग ब्रशिंग टीथ एक्सेट्रा के लिए जितना ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं अगर हम चाहें तो हम मिनिमम अमाउंट ऑफ पानी इसके लिए यूज़ करें। पुराने ज़माने में बावरीज यूज़ करते थे, वी हैव मेनी प्लेसेस इन इंडिया जो ओल्ड प्रैक्टिस है वहाँ पे बावरीज ट्रेडिशनल वे है ऑफ कलेक्टिंग वाटर, लेकिन आजकल बावरीज का मिसयूज़ हो रहा है और उसमें गार्बेज और पिलिंग्स लोग डाल रहे हैं, तो अगर हम इस तरह से बावरीज आज भी यूज़ करें तो ऐसे कुछ एरियाज में हम बावरीज बनाकर जो ग्राउंड वाटर है वो रिवाइव कर सकते हैं, और ये बावरीज अच्छा वाटर सप्लाई का एक ज़रिया हम बना सकते हैं। जो फार्मर है वो फील्ड में ड्रिप इरिगेशन यूज़ करता है आजकल, तो ये ड्रिप इरिगेशन इज़ द बेस्ट टेक्निक टू यूज़ वाटर। इसमें जो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रिप इरिगेशन, इसमें एक पाइप के जरिए पेड़ों को पानी दिया जाता है जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, और ये होल्स में से बहुत ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाता है जिससे कम से कम पानी का वेस्टेज होता है। तो ड्रिप इरिगेशन मेथड फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं, हम अगर कोई लीकिंग पाइप्स हमारे स्कूल में या कोई और जगह पर या हाउस में अगर हम देखें तो हमें तुरंत इसका मैसेज दूसरों को देना चाहिए, और ताकि वाटर का वेस्टेज कम से कम हो। और हमारी ये हैबिट होना चाहिए कि वी हैव टू टर्न ऑफ द टैप्स वाइल ब्रशिंग, और वॉशिंग से ज़्यादा हमें हमारा फ्लोर को मॉप करना चाहिए, उसका पोछा करना चाहिए। देन इफ़ेक्ट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी ऑन प्लांट्स, अगर वाटर की स्कैर्सिटी होगी तो प्लांट्स सब सूख जाएंगे, प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा। अगर प्लांट्स को पानी नहीं मिला तो फूड उगेगा नहीं, एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स कैन नॉट गेट फूड एंड दे विल डाई।
इवन देर विल बी नो ऑक्सीजन, नो फूड, नो ऑक्सीजन, और इस तरह से पूरा जो वर्ल्ड है वो एक तरह से थम जाएगा। तो बच्चों हमें ये समझना चाहिए कि अगर पानी न हो तो इन्यूमरेबल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो इस तरह से कम प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए हमें पानी का वेस्टेज कम से कम करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, वी आर एंडिंग अवर चैप्टर हियर। सो जस्ट रीड द टेक्स्ट बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर। तो ये चैप्टर में हमने वाटर के बारे में पढ़ा, एंड अगर वाटर नहीं होता तो कैसी दशा हमारी होती है।